सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। चलिए एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 8 अध्याय से लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। दोस्तों मान लीजिए आज यदि आपके पास सारा ज्ञान, सारी धन दौलत, सारी फैसिलिटीज और सारे आराम, सब कुछ आपके पास है, यहाँ तक कि आपका नाम भी दुनिया में बहुत अच्छा है, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर मनुष्य यह सब भी प्राप्त कर ले और अपने प्राण को ही खो दे तो इन सब वस्तुओं से कुछ भी लाभ नहीं है। आज सभी लोगों का और हर एक देश का एक उद्देश्य है कि उन्हें कैसे ना कैसे आगे जरूर बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए लोग सेक्स का, ड्रग्स का, काले धंधों का इस्तेमाल करते हैं और हर एक तरीके को इस्तेमाल करके अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उस उद्देश्य को पूरा करने में हर कोई लगा हुआ है और अधिकतर लोग सोचते हैं हमारा उद्देश्य, हमारी एजुकेशन, हमारी धन दौलत, यह सब हमारे साथ बनी रहेंगी, लेकिन वो नहीं बनी रहती, एक दिन इस सब का अंत हो जाता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं सुलेमान एक बड़ा ही महान राजा था जिसने अपने पिता दाऊद के बाद इसराइल पर राज्य किया। उसके पास इतनी धन दौलत थी कि ना तो इतिहास का और ना ही भविष्य का कोई भी व्यक्ति उसके समान अमीर था और ना कोई अमीर होगा, और उसकी बुद्धि बहुत ही अनोखी थी, उसकी बुद्धि की तो तुलना भी नहीं की जाती थी, वह बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान था। उसके पास अपना साम्राज्य था, वह राजा था, जो कहता था वो लोग करते थे। उसकी बुद्धि की चर्चा दूसरे देशों में भी फैल गई थी, दूसरे देशों से भी लोग उससे मिलने के लिए आते थे। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो उसके पास नेम, फेम, धन संपत्ति, राज्य, जो भी आज हम सोच सकते हैं उसके पास वह सब कुछ था। उसकी 700 पत्नियां भी थी, और क्योंकि वो 700 पत्नियां उसे संतुष्ट नहीं कर पाई तो उसके पास अलग से 300 रखेल भी थी। जो कुछ भी उसका मन चाहता था वह सब कुछ उसके पास था, और सुलेमान सोचता था कि यह सब मुझे हमेशा शांत और संतुष्ट रखेगा, लेकिन ये सारे आराम, सारी धनदौलत, सारा राज्य होने के बावजूद भी वो कहता है, तब मैंने अपने हाथों के सब कामों को देखा और अपने सारे परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और सूरज के नीचे कोई भी लाभ नहीं है। इन सारी चीज़ों को आजमाने के बाद सुलेमान कहता है कि यह सब कुछ मनुष्य को सिर्फ थोड़े समय के लिए संतुष्ट रख सकता है, लेकिन वास्तविकता में यह सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन दोस्तों इस सब से बढ़कर भी कुछ ऐसा है जो हमारे मन की प्यास को पूरी तरीके से संतुष्ट कर सकता है, और आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है। आज हमारे दिल के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे दिल के अंदर होना चाहिए था, और वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता। पाप एक फैलने वाली बीमारी है, ये फैलती जाती है और इसका कोई भी अंत नहीं है। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। सब ने पाप किया है। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई रास्ता है इस पाप से बाहर आने का? जी हाँ, यीशु के पास भाग आओ और उसके पास आपको पापों की क्षमा मिलेगी। वो 100% गारंटी लेता है आपके जीवन को बदलने की, बदसूरत जिंदगी को सुंदर बनाने की गारंटी लेता है, भटके हुए जीवन को रास्ता दिखाने की गारंटी लेता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आपको एक नया जीवन, एक नया माइंड देता है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यीशु ही सभी सच्चाइयों की पूर्णता है। सबसे उत्तम जीवन का सत्य वो ही है, और जो उसके पास सच्चाई से आएगा वह जरूर आजादी पाएगा। नो मैटर कैसी आपको आजादी चाहिए हो, डर से आजादी, चिंता से आजादी, नर्क से आजादी, उसमें आजादी ही आजादी है। सिर्फ आपको मन फिराकर उसकी तरफ आना पड़ेगा और कहना होगा कि प्रभु आज मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। अगस्टिन ने एक बार कहा, हमारे दिल हमेशा प्यासे रहेंगे जब तक कि हमारे दिलों की प्यास यीशु ना बुझा दे। हर एक मनुष्य के दिल में एक ऐसा भाग है जिसको संसार, धन दौलत, नेम फेम कभी नहीं बुझा सकती, सिर्फ और सिर्फ यीशु बुझा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को हमेशा याद रखें कि यदि हम पूरे संसार को जीत लें और अपने ही प्राण को खो दें तो क्या लाभ। कुछ भी लाभ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। आज जो भी हम पृथ्वी पर इकट्ठा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक दिन ये सब कुछ नाश होने जा रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग में इकट्ठा करो, वह ना तो कीड़े लगते हैं और ना ही कोई चोर वहाँ से चोरी कर सकता है। अपनी संतुष्टि यीशु में पाएं, संसार में नहीं।